सड़कों पर दौड़ने वाले ई रिक्शा तो आपने जरूर देखे होंगे और इनमें सफर भी किया होगा, और आने वाले समय में आपको ई रिक्शा ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक, कार, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड पर आपको लेकर चलेंगे ई रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में, जहाँ आप देखेंगे कि फैक्ट्री में ई रिक्शा कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ई रिक्शा को बनाने के लिए स्टील के पाइप और एंगल्स का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ ई रिक्शा कंपनी टाटा स्टील का पाइप और एंगल लगाती हैं और कुछ कंपनी जिंदल स्टील का प्रयोग करती हैं। दोस्तों, ई रिक्शा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है ई रिक्शा की बॉडी को बनाकर तैयार करने की, जिसके लिए यूज की जाती है आधुनिक सीएनसी मशीनें और स्टील पाइप्स। आपको बता दें, यहाँ पाइप को बैंड करने के लिए सीएनसी पाइप बैंडिंग मशीन और मेटल शीट को बैंड करने के लिए सीएनसी बैंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ई रिक्शा के कलपुर्जे बनने के बाद तैयार होता है ई रिक्शा के फ्रेम को बनाने का काम और उसको जोड़ने का काम। और दोस्तों, मशीनों के द्वारा जब ई रिक्शा का स्ट्रक्चर बन जाता है तो जरूरत पड़ती है पेंट करने की, और यहाँ पर बर्जर के पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट होने के बाद इसमें छोटे मोटे पुर्जे जैसे जैक, नट बोल्ट, वायर और इसके साथ ही बहुत सी चीजों को बहुत ही सावधानी के साथ पूरे ई रिक्शा में लगाया जाता है। फिर उसके बाद इनमें ब्रेक को फिक्स करते हैं। इतना होने के बाद इसमें डीसी मोटर को फिट किया जाता है, और आपको बता दें, ये डीसी मोटर 2 एचपी तक की पावर जनरेट करती है और 25 से 45 किलोमीटर प्रति हावर तक दौड़ सकती है। अब जैसे ही दोस्तों इसमें मोटर लग जाती है तो उसके साथ ही मोटर के कनेक्शन भी लगाए जाते हैं। चलिए, अब कनेक्शन हो गए हैं और मोटर लग गई है। अब ये हुआ ई रिक्शा के नीचे वाले भाग का काम खत्म। अब इस ई रिक्शा को सीधा करते हैं और इसके ऊपर वाले भाग यानी जिसमें हम बैठते हैं उसको तैयार करने का काम शुरू किया जाता है, और उसमें कलपुर्जों को लगाकर नटों की मदद से कसा जाता है और उसके फ्रंट भाग को लगाते हैं और उसको भी पेंच की मदद से कसा जाता है। अब दोस्तों, शुरू होता है ई रिक्शा के अगले टायर को लगाने के लिए काम शुरू, जिसमें अगले शॉकर को लगाकर कसते हैं, फिर टायर को लगाते हैं। लीजिए, तैयार है हमारा टायर। अब रात को अगर ई रिक्शा चलाना है तो लाइट तो लगानी होगी ही ना, तो लाइट भी लगाते हैं। और आपको बता दें, ये एलईडी लाइट होती हैं जो बैटरी की मदद से चलती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा ई रिक्शा अभी 75% ही बनकर तैयार हुआ है। अब फाइनली इसमें हैंडल को लगाते हैं और हैंडल से सारे ई रिक्शा के वायर को कनेक्ट करते हैं। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ी सी भी चूक खतरे की घंटी बजा सकती है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे ई रिक्शे में धुआं भी निकाल सकती है। इसीलिए इस काम को बड़ी ही सावधानी से और सतर्कता पूर्वक किया जाता है। इतना होने के बाद इसमें बाहरी सजावट की जाती है, इसके अंदर बैटरी को फिक्स किया जाता है और उसके कनेक्शन को जोड़ा जाता है। बाहरी सजावट में आपको बता दें, इसमें मजबूत फाइबर के कपड़े को पेंच की मदद से कसते हैं और सबसे ऊपर वाले भाग जो कि छत होता है हमारी ई रिक्शा का, उसे लगाया जाता है। और कुछ इस प्रकार से रिक्शे में बैठने वाली गद्दियों को लगाकर एक सुंदर सा ई रिक्शा बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी इसमें टायर नहीं लगे हैं। अंत में इसमें टायर को लगाया जाता है और फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट में पास होने के बाद ही फाइनली इस ई रिक्शे को मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। और यहाँ हम आपको बता दें, नॉर्मली ई रिक्शा आपको मार्केट में 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा। अगर आप भी अपना छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये ई रिक्शा आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। इससे आप डेली 500 से 1,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं और बिना किसी खर्च के। बस केवल आपको शाम को आना है और अपनी बैटरी चार्ज करनी है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं उसके बारे में भी हमें राय जरूर दें। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय।